आपको बच्चों आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे जोड़। क्या सीखेंगे? जोड़। यानी जोड़ की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है किसी चीज के बारे में समझना, बताना। समझ गए? अब जोड़ क्या होता है? जोड़ होता है जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं उनको आपस में मिला देना। क्या? आपस में मिला देना। और जोड़ को सबसे पहले समझो, जोड़ का चिन्ह कौन सा होता है? प्लस। जिसको प्लस भी कहा जाता है, ऐड भी कहा जाता है, एडिशन भी कहा जाता है। समझ गए? तो उसका चिन्ह ये होता है। जोड़ का चिन्ह कौन सा होता है? ये गोले के अंदर जो बना हुआ है, गोले के अंदर जो बना हुआ है उसको प्लस का चिन्ह बोलते हैं। प्लस में क्या, जोड़ में क्या होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं को या दो कोई भी वस्तुएं गिनतियां हैं आपस में दोनों को शामिल कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो वो जोड़ जुड़ जाएंगे। समझ गए? जैसे ये चौक है, ये दो चौक है, ये क्या है? तो चौकों को आपस में मिला देंगे। आपस में मिला देना क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए? जोड़ गए। यानी एक चौक ये, एक चौक ये, दोनों को आपस में मिला दिया। तो सबसे पहले आज हम बिना हासिल के जोड़ सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? बिना हासिल के। इधर देख ले, तू कहां समझ रहा है? देख पूरी तरह समझ। जैसे कोई जोड़ है, मान लो 3, 4, 5, ये मान लो जोड़ है। समझ गए? ये जोड़ है तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा? सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं आता तो उनका ध्यान देकर, ये कितने लिखे हुए हैं? बात ध्यान रखेंगे कि जोड़ को हमेशा सीधे हाथ की तरफ से, सीधा हाथ हमारा यही होता है ना, सीधे हाथ की तरफ से करना स्टार्ट करते हैं। समझ गए? ऐसा नहीं कोई कभी इधर से कर, ऐसा नहीं इधर से करना स्टार्ट करते तीन और तीन जोड़ने के, ये करना गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमेशा जोड़ को करते समय इतना ध्यान रखेंगे इधर से करेंगे, यानी सीधे हाथ की तरफ से हमें करना होगा। इधर से करना होगा। ये कितने लिखे हुए? चार। या तो आप चार अपने उंगलियों के जो गठने होते हैं, खाने होते हैं, उनको गिनके कर सकते हो, या फिर जैसे चार यहाँ पर डंडे गिन लो, 1, 2, 3, 4। चार गिन लिए। ये कितने हैं? चार डंडे गिन लिए। अब नीचे कितने हैं? पांच। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब क्योंकि जोड़ना है हमको, इसलिए जोड़ में हमने बताया था सभी को एक साथ शामिल कर लेते, सभी को एक साथ शामिल। अब इन सभी को हम एक साथ शामिल कर लेंगे। अब इस गोले के अंदर हम देखेंगे कितने डंडे हो गए टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लिखना सबको आता होगा? नौ हमने यहाँ लिख दिए। लिख दिए उसके बाद क्या करेंगे? अब हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि अंक से नीचे ही अंक आएगा। समझ गए? ऐसा नहीं है लोगों को तुम यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। हमेशा अंक के नीचे ही अंक लिखा जाएगा। अब किसकी बारी है? इसका काम हो गया, अब इसकी बारी है। यानी ऊपर कितने हैं? फिर तीन डंडे गिने, 1, 2, 3। नीचे फिर द्वारा 1, 2, 3। अब इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ गए? इसी प्रकार से एक और सीखते हैं दूसरा, 834, 209। 9 में तो फिर आंसर वाला हो जाएगा। आज हम बिना आंसर के सीख रहे हैं, इसलिए फिर हम इसको 205 कर लिए हैं। कितना कर लिया है? ये किसका चिन्ह है? इसका मतलब ये हुआ इन संख्याओं को हमको क्या करना है? जोड़ना है। इन संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ऊपर कितने हैं? चार। नीचे पांच। तो चार चार नीचे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। नीचे कितने हैं? पांच। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने हो गए? ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये कितने हैं? तीन। तो 1, 2, 3। नीचे कितने हैं? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जीरो का मतलब कुछ नहीं। जीरो का मतलब कुछ नहीं।
का मतलब यहाँ कुछ नहीं, तो कितने हो गए, एक दो तीन, तो तीन आ जाएंगे। समझ गए? अब उसकी बारी है इस्लाम की, यानी आठ की, आठ तो आठ मतलब एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, कितने हो गए, आठ। कितने दो, दो। तो दो डंडे और बिंदु एक और दो। अब इन सभी को, इन सभी को क्या कर लें, शामिल कर लें, हैं जोड़ना है, तो तीनों सबको एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, कितने हुए, दस। अच्छा दस के साथ आ जाने आगे कोई संख्या है नहीं, तो दस के ये क्या हो गया, सबको समझ में आ गया जो, चलो एक हम दे रहे हैं सिमरन को, वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे सिमरन आप और पवन को, ये जोड़े नहीं करते साफ करो, दो चौक आराम से समझा समझा करना, ये कितने आराम से छह और एक सात, जैसे हमने डंडे करके सिखाए वैसे करके सिखा, मेरे बच्चों को उन्हें कहते हैं ये तीन डंडे, एक दो तीन, दो एक दो क्या, हमने सही किया है, चेक करो। यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर।